तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। हम दिखाने जा रहे हैं कि हम डलहौजी में किस होटल में रुके हैं। यह है डलहौजी की होटल, होटल सनराइज, जो कि मॉल रोड में पड़ती है। इसमें जो हमने आज स्टे किया है, हम यहाँ रुकेंगे 3 दिन तक। आप देख सकते हैं यह है पूरा मॉल रोड, जहाँ पे आप जो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाजू में यहाँ पर शॉप वगैरह दी गई, यहाँ से भी आप जो है शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। यह है पूरी मॉल रोड जो हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में थे। लेकिन अब इस वीडियो में जो फर्स्टली और मोस्टली हम लोग करने वाले हैं अपने होटल का टूर, कि हमारा होटल किस प्रकार का। तो जैसे ही देखेंगे आप यहाँ से एंट्री करते हैं, आपको जो है इस प्रकार के कुछ दिखाई देता है। एंट्रेंस में सबसे पहले आपको देता है रिसेप्शन। तो गाइस, जैसे हम लोग एंटर करेंगे, सबसे पहले हमको मिल जाता है हमारा रूम कुछ इस प्रकार का, 103, जो यहाँ पे इसका जो है इस प्रकार है हमारा रूम, जो कि हमने लिया होटल सनराइज मॉल रोड पे डलहौजी पे। कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी गई है, आपको टीवी देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको यहाँ पे एक अलमारी, मिरर और वॉशरूम देखने को मिल जाता है। और ये बेड है जो देखने को मिल जाता है। फिलहाल बेड बहुत गंदा दिख रहा है, क्योंकि हम 4 लोग इस रूम में रुके हुए हैं, तो फिलहाल में ऐसा है। पहली बात तो भाई, ये रूम मैंने ही बुक किया है, बड़ी मेहनत से अपने हॉस्पिटल के ड्यूटी के टाइम से टाइम निकाल के सब रिसर्च करके कोशिश करी थी कि भाइयों को पसंद आए, और देख के अच्छा लगा कि भाइयों को बहुत पसंद आया। रूम 1 नंबर है, बजट 1 नंबर है, आपको व्यू मॉर्निंग में 1 नंबर है, आपको मार्केट एकदम बिल्कुल, आप मार्केट के बीचों बीच है, सारी सुविधाएं बिल्कुल। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी डलहौजी स्टे करे, आपको सबसे बेस्ट होटल एंड बेस्ट फैसिलिटी एंड बेस्ट एरिया वाइज भी ये होटल से बेस्ट कोई नहीं मिलेगा। आपको कैसा ब्रो? लगा मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, लेकिन आप बस माल रोड मत आना। माल रोड में माल पूरा चला जाता है अपना, जितना माल आप डाल के लाते ना जेब में, पूरा माल खत्म हो जाता है। देख सकते हैं हम लोग ने शॉपिंग की यहाँ पे, भाई ने इतनी सारी शॉपिंग की है, देख रखे हैं एक के बाद कितने हजार की शॉपिंग की है। ज्यादा नहीं ब्रो, 5000 की है, जिसमें से सिर्फ हम लोगों ने सर्दी के कुछ सामान खरीदे होंगे। और आप ये बता दें कि अगर आपका बजट यहाँ है 10,000 का, तो आप 10 से 5,000 रुपए 5,000 तो एक्स्ट्रा लेके चले। मॉल रोड आ रहे हैं तो फिर 2-3 और एक्स्ट्रा लेके चले, मॉल रोड तो बिल्कुल ही ना जाए, भूल के भी। रूम कैसा लगा आपको? रूम तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल मजा आ रही है यहाँ तो, बिल्कुल बढ़िया है। टीवी भी देखने को मिल जा रही है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा पूरा रूम है, वो की बहुत ही है होटल सनराइज। आप यहाँ से देख सकते, गैलरी वगैरह देखने को मिल जाती है। फिलहाल हम दिखाते हैं आपको हमारा वॉशरूम कैसा है। यहाँ देखेंगे आपको चेयर देखने को मिल जाती है, टेबल देखने को मिल जाती है, सामने मिरर जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं। और यहाँ की जो लाइटिंग है बहुत ही प्यारी दी गई है, अभी 2-3 और जो है लाइट चालू कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं पूरा प्रकार, इस प्रकार का पूरा बेड है यहाँ पे, जो 3-4 लोग सो सकते हैं। और हमने एक और एक्स्ट्रा बेड फैसिलिटी यहाँ पे ली है, जहाँ पे कोई और सो सकता है। और ये है हमारा वॉशरूम, जो कि इस प्रकार दिखाई देता है, जो बहुत ही बड़ा है। सामने आप देखेंगे मिरर देखने को मिल जाएगा आपको वॉशरूम में। और यहाँ पे जो है आपको बाथ वॉशर देखने को मिल जाता है, टॉयलेट देखने को मिल जाती है, बकेट वगैरह देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको नायल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको गीजर वगैरह देखने को मिल जाता है। और लेकिन ये वॉशरूम इतना बड़ा है कि यहाँ पे 2 लोग सो सकते हैं, और ये इस प्रकार का पूरा वॉशरूम है। और हाँ, अगर आप डलहौजी आ रहे हैं तो आप ये सोचिए आपको पानी हमेशा ठंडा ही मिलेगा, नॉर्मल पानी भी यहाँ बहुत ठंडा होता है। और ये था हमारा पूरा रूम का टूर, जो कि इस प्रकार का है। यहाँ पे सिंगल कमरा है, और इस रूम का जो हमको है ना पर डे का चार्ज लगता है 2300 रुपये, जो कि 4 लोग के बीच में है तो ठीक है। अगर आप 1-2 लोग आने वाले हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस बजट में, वक्त अगर हम 3-4 लोग हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर 2-3-4 दिन रुकना चाहते हैं तो आपको रुक सकते हैं। यहाँ की रूम सर्विस भी बहुत अच्छी है, आपको 24 आवर्स में लोग जो अवेलेबल रहते हैं, अगर आप कुछ लेना है कुछ मंगाना देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कॉफ़ी मेकर वगैरह है, जो कॉफ़ी वगैरह पीना है, चाय वगैरह बनाना है, तो आप इसको ले सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ भी चीज़ उनसे लेना है, शुगर वगैरह, तो वो ला के दे देते हैं। और ये हमारे सामने देख सकते हैं टीवी चल रही है, क्योंकि इस प्रकार का यहाँ पे स्टार प्लस में कुछ आ रहा है सीरियल वगैरह। और ये है पूरा हमारा रूम। चलिए अब आप दिखाते हैं हमको गैलरी, गैलरी कैसे यहाँ से कैसा व्यू आता है नाइट में। इसके लिए हमने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं। ये है हमारी मोस्ट फेमस जगह इस पूरे रूम की, जो कि देखते हैं पीछे दिख रहा होगा आपको। इस भाई ने ये बुक किया है, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये अगर नहीं बोलता ना तो बुरा मान जाता, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, ठीक है। वो देख सब प्रकार का नज़ारे आते हैं। आपको यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, थोड़े बहुत यहाँ पे बर्फ वगैरह देखने मिले थे। ये हमारा भाई निखिल, भाई कैसा लगा आपको ये रूम? बहुत ही जन्नत का नज़ारा, शानदार। आपके पीछे भी लाइटिंग जो आई है बहुत प्यारी आ रही है। भाई सुना था डलहौजी अच्छा है, लेकिन वाकई अगर आपको आना एक बार डलहौजी जरूर आइए। रूम कैसा लगा आपको? रूम तो बहुत ही शानदार है, और कम बजट में अगर शानदार व्यू देखना है आपको, इस रूम पे आप जरूर आइए। ये तो सुबह उठ के आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ का सनराइज कैसा होता है। इसका नाम ही होटल सनराइज है, क्योंकि यहाँ से सनराइज जो होता है सामने देखेंगे, वहाँ से सनराइज बहुत अच्छा दिखाई देता है। सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू बहुत प्यारा आता है। यहाँ कल रात में जो स्नोफॉल भी हुआ था,
जिसके कारण यहाँ थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी थी। अगर हमको हो सकता है खजियार वगैरह में बर्फ़ देखने को मिलती है तो हम आपको पक्का दिखाएंगे। और ये पूरा हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी, जो कि पहाड़ों के बीच बसा हुआ शहर है, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए ज़रूर एक बार और विजिट करें। बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही अच्छा शहर। ये था हमारा पूरा रूम टूर, कैसा लगा आपको बताना। अब हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में जब हम बनाएंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम बनाने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग। तो कंटिन्यू हमारे साथ में लगे रहिएगा, बने रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी।